हिमाचल प्रदेश 19 मई को पूरे देश के साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व मनाने जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए भरपूर तैयारी की हुई है। हिमाचल प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार जी। 19 मई के दिन हिमाचल प्रदेश में वोट डाले जाएंगे 2019 के हमारे लोकसभा चुनावों के लिए, और चुनाव विभाग ने इसके लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। हर असेंबली सेगमेंट में जो हमारे 68 हैं, हमने तीन तीन जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं और फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, ये भी हमारे चले हुए हैं। हमारे नाके लगे हुए हैं, अकाउंटिंग टीम्स हर असेंबली सेगमेंट में है, वीडियो व्यूइंग टीम्स हैं, और इस प्रकार से हमने पूरे इस चुनाव की सारी गतिविधियों पर एक क्लोज नजर हमने रखी हुई है। प्रदेश के 99 नाके हैं, इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं, वहां पर भी क्लोज सर्किट कैमराज विद ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कि वो व्हीकल का नंबर भी आ जाता है, ये भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। तो इसके अलावा मैं कहूंगा कि हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे 7730 पोलिंग बूथ हैं, इसके लिए हमारा जो स्टाफ है उसकी भी ट्रेनिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एक निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री की 47 जो टुकड़ियां हैं, ये भी हम इस चुनाव में हम यहां पर तैनात करेंगे। और जो हमारी मशीन्स का, जैसे आपको बताया मैंने कि इसका भी नंबर्स करीबन 130% जो हमें चाहिए, ये भी हमारे पास उपलब्ध है, फर्स्ट लेवल चेक हो चुका है। और हमारी पूरी टीम्स मुस्तैदी से, हमारे डीओस, हमारे जो एसडीएम्स हैं, ये सारे के सारे फील्ड में रेडी हैं, तैनात हैं। देवेश जी, एक बहुत जरूरी होता है कि मतदाता के मन में कोई भय ना हो और उसे ये लगे कि जो उसका वोट होगा उसका पता किसी और को नहीं चल पाएगा। इस बात को, क्योंकि बहुत सोशल मीडिया में बहुत बातें आ रही हैं कि वीवीपैट जो है बाद में पता चल जाता है कि मतदान उसने किस पार्टी के पक्ष में मतदान किया, क्या ये भ्रांति है कि क्या सच में पता लगाना संभव है कि किसको वोट दिया गया? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये पूर्णतया भ्रांति है, और ऐसी खबरों के प्रति ना तो इसका प्रसार चाहेंगे। मैं यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो वीवीपैट मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसमें कोई ट्रांसपेरेंट कंपार्टमेंट है ही नहीं जी। जब वोट डाला जाता है तो कुछ सेकंड के लिए जिसको आपने वोट डाला वो प्रदर्शित होता है पर्ची के तौर पे, और कुछ सेकंड के लिए होता है, और उसके बाद वो नीचे एक कंपार्टमेंट में गिरता है जहां पर पहले से गिरी हुई पर्चियां भी हैं। तो उस एक बार गिरने के उपरांत तो वो तो मिक्स हो गया जी। किसने किसको वोट डाला ये तो कुछ सेकंड के उपरांत ही समाप्त हो गया है। उसके अलावा जब काउंटिंग भी होती है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अब निर्देश दिए हैं, तो उस दौरान भी जो किस पोलिंग बूथ से जो जिस भी हमारा जो वीवीपैट है उसकी भी जो काउंटिंग है, इस बार 5 वीवीपैट्स का रैंडम तरीके से काउंटिंग की जाएगी टू मैच देम अगेंस्ट द काउंटिंग ऑफ द ईवीएम्स। तो मैं यहां पर आपकी बात को ही मैं दोबारा से जोर देके कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से कौन सा वोटर किसको वोट डाल रहा है ये संभव ही नहीं है कि ये किसी को मालूम पड़े। हिमाचल एक बहुत दुर्गम राज्य है और वहां पर जरूरी है कि मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। क्या तैयारियां की हैं आपने और कितने नए हमने मतदान केंद्र बनाए हैं अगर हम 2017 की तुलना की बात करें तो? इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि दुर्गम हमारे क्षेत्र हैं, हमने इस पे एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करी थी, और हमारे पास बहुत सारे तो रोड से एक्सेस है जो हमारी पोलिंग बूथ हैं। पहले तो हमने कोशिश ये करी कि हमारे पोलिंग स्टेशन जो हैं वो रोड से एक्सेसिबल हो, जहां पर रोड्स पे नहीं है, गाड़ी नहीं जा सकती, वहां पर रास्ते हों। हाँ। और वो रास्ते थोड़े पक्के बनाए। अच्छा। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण मतदाता है वो हमारे पीडब्ल्यूडीज हैं, जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। तो इनकी संख्या भी अगर मैं कहूं तो पहले 18,000 के आसपास थी, अब बढ़ के हमने 35,000 पीडब्ल्यूडीज को मैप कर दिया है, और उनके लिए विशेष हम सुविधा करने जा रहे हैं। इस बार हम ये कोशिश कर रहे हैं हर असेंबली सेगमेंट में हम उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए वो जो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पीडब्ल्यूडी ऐप है, उसके माध्यम से रिक्वेस्ट कि हमें आप ट्रांसपोर्ट सुविधा इस दिन उपलब्ध करवाएं। हम ये भी प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारी गाड़ी उनको लेनी चाहेगी उसमें व्हील चेयर वगैरह की उपलब्धता भी हो, जिससे कि हम उनको ला सकें। और हर पोलिंग बूथ पे हम दो दो वॉलंटियर्स भी तैनात कर रहे हैं जो कि हर ऐसे व्यक्ति की हेल्प करेगी। हर बार चुनाव में बहुत सारी रोचक बातें सामने आती हैं, जैसे अभी भी आपने मंडी, अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 20 किलोमीटर पैदल चलकर आपका पोलिंग पार्टी वहां पर पहुंची है। कुछ ऐसे रोचक जो मतदान केंद्र हैं उनका आप जिक्र करना चाहेंगे? हाँ, जैसे शक्ति जो मतदान केंद्र के बारे में आपने बताया कि इसमें तकरीबन हमारी पार्टी को 20 किलोमीटर चल के हमें जाना पड़ता है। और यहाँ पर हमारे जो ये बंजार में है ये, और इसके अलावा जैसे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो टशीगंग है ये विश्व का सबसे ऊंचा है हमारा मतदान केंद्र है, जिसकी हाइट 15,256 फीट है, जहाँ पर 49 मतदाता हैं। हमीरपुर में 7 पलासन करके मतदान केंद्र है जो कि सबसे नीचा है इस प्रदेश का। अच्छा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई केवल 655 फीट है। हमारे कुल मिला के 999 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ज्यादा है, इनके लिए 999 और इनके लिए भी हमने इस बार विशेष प्रबंध किए हैं कि इनको हम ट्रांसपोर्ट इनके लिए भी हम मतदान केंद्र तक हम इनको जो है प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे जिले ऐसे हैं जहां पर की महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, ये हमीरपुर और लाहौल स्पीति है। 7 हमने ऑक्सिलियरी पोलिंग स्टेशंस भी इस्टेब्लिश किए हैं जो हमारे वृद्ध और अस्वस्थ जो हमारे मतदाता हैं उनकी सुविधा। पिछले अगर हम चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो एक बहुत खूबसूरत पहल चुनाव आयोग द्वारा की गई थी, खास करके हिमाचल की बात की जाए, कि जो भी मतदाता पोलिंग स्टेशन पे आ रहा था उसे एक फूल दिया जाता था। इस तरह के कुछ जो चीजें हैं इस बार भी की जा रही हैं। इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि प्रत्येक मतदाता के घर पे ही उसको संपर्क स्थापित करके उसको निमंत्रण दिया जाए। हम उसको वहां पर निमंत्रण दे रहे हैं, साथ ही हम सारी सूचना भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को ये सूचना देना चाहूंगा कि जो वोटर स्लिप है जो हर घर पे हम देते हैं, ये अपने आप में उनको वोट देने के लिए पहचान पत्र के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है क्या इसे? मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि वोटर स्लिप अपने आप में एक वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हमने 11 डॉक्यूमेंट्स अलग से एक लिस्ट दी है जो कि हम प्रत्येक मतदाता के तक हम पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप कृपया करके वोटर स्लिप के साथ में आप लेकर के आए, तभी आप मतदान का अपना जो मतलब वोटर स्लिप भी लानी पड़ेगी। हाँ, और आपको पहचान पत्र भी लाना पड़ेगा। अगर वोटर स्लिप नहीं भी ला पाए कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। बट जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उनमें से एक डॉक्यूमेंट, किसी भी एक डॉक्यूमेंट को लाना जरूरी है। अगर हम हर बार ये प्रश्न उठता है कि कई लोग सोचते हैं कि 6 बजने वाले हैं, अगर मेरी बारी नहीं आई तो क्या मैं मतदान कर पाऊंगा, क्या स्थिति रहेगी? क्या अगर कोई व्यक्ति खड़ा है लाइन में और आपका समय समाप्त हो जाता है तो क्या वो मतदान कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। यहाँ पर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि 6 बजे तक जो भी व्यक्ति लाइन में खड़े हैं, जो मतदान केंद्र पर पहुंच गए, चाहे वो 100 हो, 200 हो, जितने भी हो, उन सभी को हम लाइन में एक पर्ची देंगे। और उसके बाद तसल्ली से, चाहे उसके 6 बजे के बाद, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, हमें उससे समय से हमें कोई चिंता नहीं है। जिनके पास भी पर्ची है वो अपने मतदान का अपना जो अवसर है वो पूरा उसको उपयोग कर पाए। दिवेश जी, मेरा आखिरी प्रश्न है, 2000 अगर हम 14 की बात करें तो लगभग 64% मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ, लेकिन 2017 की बात की जाए तो वो 75% के आसपास रहा। इस बार आपने क्या लक्ष्य तय किया है कि कितने प्रतिशत तक पहुंचना है हिमाचल प्रदेश को? लक्ष्य हमारा 100% है जी। ठीक है, और इन दो चुनावों के बीच में तुलना करना इतना आसान नहीं है। 2014 में आपके लोकसभा के चुनाव थे जो कि इस बार भी लोकसभा के चुनाव हैं, और 2017 में विधानसभा के चुनाव थे, तो थोड़ा अंतर इनमें होता है, लोकल इश्यूज होते हैं इसकी वजह से। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इन चुनावों में 1,52,000 हमारे ऐसे मतदाता होंगे जो कि पहली बार अपना मतदान
और उनमें खासा उत्साह है, हम जब बात कर रहे हैं तो उनमें खासा उत्साह हम देखने को मिलता है। ऑब्वियसली पहली बार जब मतदान करना अपने आप में एक कहें तो एक्सपीरियंस कहा जा सकता है। तो हमने ये एंश्योर किया है कि हम हर मतदाता तक पहुंचेंगे, चाहे वो कोई भी हो, और उसको वोट डालने के लिए जागरूक बनाने के लिए हमारी कैंपेन लगातार जारी है। और मुझे उम्मीद नहीं, भरोसा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये हमारा जो परसेंटेज है बहुत ऊंची जाएगी इस बार। बिल्कुल, देवेश जी को भरोसा है कि 19 मई को आप जो है अपने मतदान केंद्र जरूर पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग की तैयारियां भरपूर हैं, लेकिन ये तभी सफल होंगी जब आप 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राकेश कुमार के साथ नंदिनी मित्तल, DD News, शिमला।